किसान भाइयों, मैं एक ऐसे क्षेत्र में रहता हूं जहां पर कपास की बिजाई की जाती है, यानी कि मेरे क्षेत्र में कपास की काफी बुआई होती है। तो कपास के ऊपर हम किसानों से जानकारी लेकर के लगातार वीडियो डालते रहते हैं। मैं खुद भी खेती करता हूं और कपास की हमने बिजाई कर भी दी है और अभी और करेंगे। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि कपास के जो है सबसे अच्छे बीज कौन कौन से हैं। इन बीजों में किसान भाइयों, मैं 5 बीजों का चुनाव करके आपको बताऊंगा, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा जानकारियां इकट्ठी की हैं, शोध किया है, और उसके बाद इनके बारे में रिपोर्ट तैयार की है, वो आप तक आज साझा करेंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं सत्यनारायण भ्याण खेत किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बात करते हैं कपास के 5 अच्छे बीजों के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कपास के जो आज हम बीजों के लिए वीडियो डाल रहे हैं, समय समय पर हम इस सारी वीडियो डालते रहेंगे। मतलब इसके खाद के कौन सा डालना है, कब डालना है, पानी कितना देना है और कब देना है, तथा इसके अंदर स्प्रे कौन कौन से करने, कौन सी बीमारी में कौन सा स्प्रे करना है, तो इस प्रकार की जो है हम सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो जो किसान भाई पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर आए हैं, लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम समय समय पर जानकारी देंगे तो किसानों तक वो पहुँचनी चाहिए। किसान भाई, सबसे पहले मैं बात करूँगा 5 नंबर पर। 5 नंबर की अगर बात की जाए किसान भाई, मैं रखना चाहूंगा राशि 926 को। इसको 5 नंबर पर रखने का कारण यह है कि किसान भाइयों, ये जो है औसत पैदावार अगर बात की जाए तो 20 से 25 मण के आसपास यह निकलता है किसानों की, और कहीं ज्यादा निकलता होगा तो हो सकता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो है इसकी इतनी ही औसत पैदावार बताई जाती है। इसको अगर बिजाई के लिए जगह की बात की जाए तो इसके लिए थोड़ी सी नरम जमीन में भी यह काम करता है, मध्यम जमीन में भी यह बिजाई हो सकती है, लेकिन ज्यादा हार्ड जमीन में आप इसकी बिजाई ना करें। इसके बाद अगर 4 नंबर की बात की जाए किसान भाई, तो 4 नंबर के ऊपर मैं रखना चाहूँगा टाटा दिग्गज को। टाटा दिग्गज जो है एक अच्छा बीज है किसान भाइयों, ये पिछली बार हमारे क्षेत्र में बोया गया था, और इसकी औसत पैदावार की बात की जाए तो पिछली बार कपास इतनी ज़्यादा भी नहीं निकली थी, मौसम ज़्यादा अनुकूल भी नहीं था, तो फिर भी इसने 25 मण के आसपास, 22 मण के आसपास जो है किसानों को औसत पैदावार दी है। तो टाटा दिग्गज भी इस बार जो है मैंने लगाया है, और उसकी कैसी औसत पैदावार रहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद बात करेंगे किसान भाइयों 3 नंबर पर। 3 नंबर पर मैं रखना चाहूँगा देसी कपास के बीज KR64 को। इसका किसान भाइयों शक्तिवर्धक कंपनी का बीज है, और इसको मैं 3 नंबर पर रखने का कारण ये है कि यह बीज किसान भाइयों बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाता, बहुत कम मिलता है। अगर ये बीज आपको मिल जाता है तो आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। यह बीज किसान भाइयों अगेता बोया जा सकता है, और अगेता बो करके आप इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हो। अगर इसकी औसत पैदावार की बात की जाए तो पिछली साल किसान भाई इसने लगभग अपना 27-28 मण तक भी औसत पैदावार किसानों को दी थी, और कुछ किसान तो कहते हैं कि उनको 30-32 मण तक भी इसकी औसत पैदावार मिली थी। इसकी देसी कपास होने के बावजूद आप 2 बार में ही चुनाई करके अपनी कपास का निपटारा कर सकते हैं, और उसके अंदर आप अगेती फसल दूसरी लगा सकते हैं। तो यह बीज जो है अगर आपको मिल जाता है तो आप इसकी बिजाई जल्दी कर दें। उसके बाद आती है किसान भाइयों 2 नंबर की बारी। 2 नंबर के ऊपर अगर बात की जाए तो मैं रखना चाहूँगा राशि 951 को। राशि 951 बीज जो है किसान भाई बहुत अच्छा बीज है। इसके बारे में जो रिपोर्टें आ रही हैं या किसानों से मेरा संपर्क हुआ तो वो कह रहे हैं कि यह जो अपना बीज है यह जाता है किसान भाई 27-28 मण तक भी चला जाता है, और पिछली बार भी इसने 20-22-25 मण तक की औसत पैदावार किसानों को दी है, हालांकि पिछली बार जो है मौसम इसके अनुकूल नहीं था। इसके बाद जो अपना किसान भाई 1 नंबर पर अगर बात की जाए तो मैं तो 1 नंबर पर भरोसा करता हूं राशि के बीजों में, और राशि में भी किसान भाइयों 773 पर। ये ऐसे बीज होते हैं राशि के जो कभी भी मरते नहीं है, ये किसान को थोड़ी बहुत औसत पैदावार दे जाते हैं जब और बीज बिल्कुल खराब हो जाते हैं, और अगर और बीज बहुत अच्छा निकले उस वक्त भी अच्छी पैदावार दे जाते हैं, ये नहीं है कि ये बिल्कुल कम ही निकले। तो मेरा भरोसा किसान भाई राशि 773 पर है, और मैंने ये बीज भी लगाया है। मैंने इस बार 3 बीज लगाए हैं, राशि 773, टाटा दिग्गज और अपना जो है राशि 951। इनमें से कौन सा कैसी पैदावार देता है और उसके कैसे लक्षण रहते हैं, इसके लिए हम समय समय वीडियो डालते रहेंगे। तो किसान भैया जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद किसान भैया, जय जवान जय किसान।